लल्लन डाकू। वीर पैकिंग कर ली कि नहीं? पैकिंग हो गई है, बस दादाजी की पैकिंग होते ही हम चल देंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, हम इमली के गांव घूमने जा रहे हैं। दादाजी, ये है हमारा गांव राजपुर। बड़ा ही खूबसूरत गांव है। वाओ, यहाँ बहुत मजा आएगा। हाय मोती, कैसे हो? I missed you. ये हमारा प्यारा डॉगी मोती है, बहुत ही प्यार करता है हम सबसे। मोती बस करो, चलो अब अंदर जाओ, चलो अंदर। ओहो, कितना सुंदर गांव है, यहाँ भागने दौड़ने के लिए कितनी जगह है। ओए बचाओ, इससे मेरा पीछा छुड़ाओ। अरे कोई इस डॉग को बताओ, मेहमानों से इस तरह बिहेव करना बैड मैनर्स होता है। मोती किसी को काटता नहीं, वो भी चुलबुल के साथ खेल रहा है। यहाँ की सब्जियों का टेस्ट ही अलग है, कितनी फ्रेश और स्वादिष्ट है। इस गांव की गाजर बहुत स्वादिष्ट है। हमारे खेत की सब्जियां हैं। मालिक, लल्लन डाकू आ गया। ओ नो, इनको भी अभी आना था, कुछ दिन बाद नहीं आ सकते थे। कौन है वो लोग? वो लल्लन डाकू है, गांव वाले इससे बहुत परेशान हैं। हर महीने आता है, अनाज रुपया पैसा लेकर जाता है। आप लोग उसे देते क्यों हैं? नहीं दिया तो लोगों को किडनैप करके ले जाता है, जानवरों को उठा ले जाता है। बहुत ही खतरनाक डाकू है ये, पुलिस भी इसका कुछ नहीं कर पाती। चलिए बाहर चल के देखते हैं। बच्चों तुम अंदर ही रहो, हम जाते हैं बाहर। लल्लन जी, ये गलत बात है, आपको इस तरह गांव वालों को तंग नहीं करना चाहिए, मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए। ये गांव में कौन सा नया चेहरा आ गया है रे? हैं? हम मेहनत ही तो कर रहे हैं, 30 मील दूर से मोटरसाइकिल पे आना और ये अनाज उठाकर ले जाना बहुत मेहनत का काम ही है रे। वीर, जिंटू को बुलाओ और इन डाकुओं को भगाओ। तक दिना दिन दिन, तक दिना दिन दिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन, तक दिना दिन दिन। जिंटू वो देखो, डाकू लोग गांव वालों को डरा धमका रहे हैं। दादाजी अंदर चलिए प्लीज। दादाजी नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अन्याय सहना उतना ही गलत है जितना अन्याय करना। हम खुश हुए, अब दादाजी हमारी फिल्म का ट्रेलर देखेंगे और उसके बाद पूरी फिल्म। ये चमत्कार कैसे हो रहा है? लगता है ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली। और फायर करो, और फायर करो, मुझे लड्डू मिला है, मुझे संतरा चाहिए। और फायर करो, मुझे सेब और अमरूद चाहिए। अरे आ, ये क्या जादू है रे? भाग दो! भगवान के वास्ते कुछ देर और फायरिंग करो, कल पूरणमासी का त्योहार है, कल के लिए फल का बंदोबस्त पूरा हो जाएगा। थैंक यू लल्लन डाकू जी, फिर आना। ये सब कैसे हो गया? यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। अंकल, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक कंपनी ने बच्चों के लिए कुछ नए हथियार ऐसे बनाए हैं कि जिसमें फायर करो तो ये सब चीजें निकलती हैं। हाँ वीर ठीक कह रहा है,
वो हथियार शादी ब्याह और त्योहारों में चलाने के लिए बने हैं। मैंने भी पढ़ा था। कमाल है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ऐसी चीज। लगता है लल्लन डाकू के हथियार किसी ने बदल दिए हैं। दादाजी, मैं और इमली गांव घूम के आते हैं। जाओ वीर, लल्लन डाकू मिले तो उससे थोड़ी मिठाइयाँ और ले आना। इमली, चलो गांव घूम के आते हैं। बुलबुल, और तेज और तेज, हमें डाकुओं को पकड़ना है। अरे डोंकी हूँ, हॉर्स नहीं, जो और तेज चलूं। जिंटू, चुलबुल की स्पीड बढ़ाओ। अरे अरे, इतनी तेज नहीं, इतनी तेज नहीं, सुनो तो, अरे मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। सरदार, हमारी लेजर गन्स तो ठीक है, फिर वहाँ क्या हुआ था? यही तो मैं सोच रहा हूँ, क्या हो गया था? हमारे गन से मिठाइयाँ और फल कैसे निकल रहे थे? गांव में वो नया आदमी आया है ना, जिसे सब लोग दादाजी बुला रहे थे, मुझे लगता है उसी ने कोई जादू किया होगा। जरूर वो जादूगर है, तभी आपके सामने कितनी हिम्मत से खड़ा था। जादूगर दादाजी? अब आएगा मजा। हम उस जादूगर को पकड़ के यहाँ ले आएंगे और कहेंगे, ऐसा जादू करो कि हम अपनी लेजर गन्स चलाएं तो उनमें से सोना चांदी निकले। तुम सब अपने हथियार मत डालना, लेजर गन चलाओ चलाओ। हमें तो खाने के लिए कुछ नहीं मिला, एक लड्डू भी नहीं। ये क्या हो रहा है? हमारा आतंक एकदम खत्म हो गया। लोग डरते थे, रोते बिलखते थे कि लल्लन आ जाएगा, लल्लन आ जाएगा। अब लोग कहते हैं गोली चलाओ। हमारा नाम तो मिट्टी में मिल गया रे। हम गन नहीं चलाएंगे, तुमको लड्डू पेड़े खाने हैं तो नीचे आ जाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी, चुलबुल जंप। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, यहाँ से जंप कभी नहीं। तुम तो रोबोट हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा तो कल्याण हो जाएगा। डोंट वरी, जिंटू हमें पकड़ लेगा, वो हमें आराम से नीचे ले जाएगा। क्यों जिंटू, है ना? ओके बॉस, डोंट वरी। जिंटू, ओए धोखा मत देना, वरना मैं तो व्हील चेयर पे भी नहीं चल सकता। खाना पीना जहाँ जहाँ, जिंटू भैया वहाँ वहाँ। मैग्नेटिक रेज ऑन। मैग्नेटिक रेज ऑन। ये भी कोई जादूगर ही लगता है रे। फायर फायर, कहाँ है फायर, कहाँ है फायर? अरे वो वाली फायर नहीं रे, लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, ये वाला फायर देखो अभी। हमें संतरे का शरबत बहुत अच्छा लगता है। ये लीची का शरबत है। वाह, कितना अच्छा है। अंकल, लीची वाले अंकल, इधर 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 फायर करो, मुझे लीची का शरबत पीना है। लल्लन अंकल, प्लीज इधर फायर करो ना, मुझे संतरी का शरबत अच्छा लगता है। ये क्या हो गया रे, हम तो किसी काम के नहीं रहे, अब बस गन चला चला के बच्चों को शरबत पिलाएंगे। हमारा करियर तो खत्म हो गया। अब हम जिंदगी में कभी गोली नहीं चलाएंगे, हम हथियार त्याग रहे हैं। सरदार, गन चली, गन चली सरदार। ओके, हवा में टेस्ट फायर। वीर, चिंटू कहाँ गया? वो दिख नहीं रहा। लगता है वो चला गया। चिंटू, सब एक साथ फायर करेंगे। एम, फायर। मैग्नेटिक वॉल ऑन। मैग्नेटिक वॉल ऑन। मैग्नेट्स ऑन। मैग्नेट्स ऑन। लल्लन सर, अब बोलिए क्या बोलना है। आपके जैसे महान जादूगर ने मुझे सर कहा, अरे हम तो आपके पैर छूने के लायक भी नहीं है।
हमें माफ कर दो। सर हमें माफ कर दो। आज से हम सब गलत काम छोड़ देंगे, ईमानदारी की जिंदगी बिताएंगे, खेती बाड़ी करेंगे। ललन अंकल आप सच कह रहे हैं? अब तो बिल्कुल कोई गलत काम नहीं होगा, ये ललन का वादा है। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस ड्रेस में क्यों हूँ? वीर वीर सॉरी, मैं सब भूल गया था, कुछ करना है तो बोलो। कुछ नहीं करना, अब घर जाना है। ललन भाई कितने पैसे हुए इन सब के शरबत के हैं? पैसे नहीं चाहिए दादाजी, मैं अब मेहनत करके जो पैसे कमाता हूँ उनसे इन बच्चों को शरबत पिलाता हूँ, मिठाई खिलाता हूँ, इसमें ही बड़ा आनंद मिलता है।